तो आपको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब मैं आपको सिखा चुका था कैसे डिराइव करते। इसके बाद अब आगे हम कुछ डिराइव नहीं करेंगे, हम कुछ शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट याद करेंगे। डेरिवेशन आपको आती है, अब सारा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अब जस्ट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिखूंगा जो आपको याद करना है। जी जी मैं ठीक हूं। जी जी अच्छा, आप लोगों को मैंने अनम्यूट किया हो, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। तो यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मित्र। अच्छा, अब कुछ शेप्स के मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं, ये आपको याद होने चाहिए। ये कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करने होंगे, इसे हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। हाँ, मैंने डिस्क तक करा दिया था। अब्दुल्ला, मुझे डिस्क का आप कह रहे हैं दोबारा रिपीट करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अब्दुल्ला अच्छा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr² / 2। ये नेक्स्ट देखिए, डिस्क के बाद कुछ और शेप्स हैं जो मैं डिराइव नहीं करा रहा हूं, डायरेक्ट इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं। जैसे एक हॉलो सिलेंडर आपको दिए, तो ये हॉलो सिलेंडर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस सिलेंडर के सेंटर से पास हो रहा है। About an axis passing through center of cylinder. So about an axis, देखिए axis बहुत important है। अगर आप axis change करेंगे तो बहुत chances हैं कि आपका moment of inertia change हो जाए। So this is about an axis passing through center of cylinder. Center of cylinder. So this is moment of inertia of the cylinder about an axis which is passing through the center of cylinder. तो अगर hollow cylinder है, hollow cylinder का moment of inertia exactly वही होता है जो moment of inertia ring का था। इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं, okay, अगर मैं आपसे कहता हूं moment of inertia of solid cylinder calculate कीजिए, solid cylinder, अबाउट द सेम एक्सिस, सॉलिड सिलेंडर है, सेम एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल मैच कर जाएगा विद दैट ऑफ डिस्क। सो इफ यू हैव अ सॉलिड सिलेंडर, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। अगर सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr² / 2।
तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के बाद नेक्स्ट जो आप यूज करोगे सर दोनों का सेम है ना? नहीं देखिए, एक एम आर स्क्वायर, एक एम आर स्क्वायर बाय टू है। सॉलिड सिलेंडर अगर मैं हॉलो स्फीयर दे रहा हूं, हॉलो स्फीयर होलोस्फेयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्फेयर। स्फेयर के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होलोस्फेयर का। So, ये आप स्फेयर रिज्यूम कर लीजिए, ये होलोस्फेयर है, ये आपने एक्सिस ले लिया विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ये एक्सिस। सो यहां जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा स्फेयर का अबाउट दिस एक्सिस, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/3 एम आर स्क्वायर। अगर इसी को मैं कहता हूं सेम, अच्छा अब ये सेंटर से कैसे भी पास हो, ऑल एक्सिस आर आइडेंटिकल, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस, ऑल एक्सिस आर आइडेंटिकल, ऑल एक्सिस आर आइडेंटिकल, तो जितने भी आप एक्सिस ले रहे हैं सारे एक्सिस आइडेंटिकल हैं, सबके अबाउट ये होगा। अब इसकी जगह अगर मैं सॉलिड स्फीयर ले लूं, अगर मैं आपको सॉलिड स्फीयर दे देता हूं और सॉलिड स्फीयर के सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, जी एम मास होता है, एम मास होता है, आर रेडियस होता है सिस्टम का। सो अगर सॉलिड है और उसके सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, दिस रेडियस, हाँ जो भी आपको स्फीयर दिया है उस स्फीयर का मास है अब्दुल्ला, टोटल और पार्शियल तब लिखते हैं जब आपको दो अलग सिस्टम दिए हो जिनका ऐड वैड करना हो, या तो आपको एक ही सिस्टम दिया है ना, एक ही सिलेंडर दिया है, एक स्फेयर दिया है, तो एम मीन्स सिस्टम का मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इट्स 2/5 एम आर स्क्वायर। इतना लिखिए, फिर कुछ और शेप्स के आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखवाना है। भाई इतना लिख लीजिए, अनुभव थोड़ा सा यार शायद आज इको होगा, मैं कंट्रोल तो कर रहा हूं। नहीं मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया था। भाई इतना आप लोग लिख लो तो मुझे बताओ, फिर इसको मैं रब करता हूँ। चलिए मिनट सर जी, क्या बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ कैसपुल बताइए। क्या सर? कुछ कह रहे हैं आप? पूछ रहे हैं? नो सर। मेरी वॉइस भी लो आ रही है, एक मिनट रुकिए।
अजी बेटर है। चलिए भाई कुछ लोग लिख रहे हैं, जरा दो मिनट रुक जाओ हमारे इसमें, सब लिख लें फिर स्टार्ट कर दो। चलिए जिसको मैं रब करूं। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट। तो अगर मैं एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लूं तो देखिए उस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये आपको रेक्टेंगुलर प्लेट दी हुई है, जो एक्सिस है वो एक्सिस रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर से पास हो रहा है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लाइक ये कुछ ऐसा है, इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट। अब मैं इसको ना ड्रॉ नहीं कर सकता, मुझे इसको थ्री डायमेंशनल दिखाना पड़ेगा। सो ये ऐसा है, ये आपकी रेक्टेंगुलर प्लेट है तो ये आपके रेक्टेंगुलर प्लेट समझिए आप, कुछ ऐसा दिया हुआ है और जो एक्सिस है वो इसके प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है। ऐसे मानिए कि एक एक्सिस ऐसे पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इस एक्सिस के अबाउट आप रोटेट कर रहे हैं। एक डायमेंशन इसकी बी है और एक डायमेंशन इसकी एल है, बेसिकली लेंथ इज एल एंड ब्रेथ इज बी। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। So, यहां जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1/12 एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ शेप्स हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होने चाहिए, इसे हम आगे भी यूज करेंगे। इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अलोंग द जेड एक्सिस निकालना है पर दोबारा मानस तुम्हें बोला अलोंग द जेड एक्सिस निकाला ना, अलोंग द जेड एक्सिस निकाला है अगर ये एक्स वाई प्लेन, इफ दिस इज एन एक्स वाई प्लेन देन दिस इज अलोंग जेड एक्सिस।
अब्दुल्ला स्कूल सिलेबस में है, रब कर दूं इन सबको मैं। चलिए तो देखिए ये कुछ कॉमन शेप्स हैं जो आपके, अच्छा आज मैं कुछ जेई वगैरह का कुछ नहीं करा पाऊंगा क्योंकि इतना हुआ नहीं है कि उसमें मैं अलग से कुछ करा पाऊं, तभी तो मैं एग्जैक्टली आपको वही सब करा रहा हूं जो आपके स्कूल सिलेबस में, जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी आपके स्कूल एग्जाम्स के। तो देखिए एक एक एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं किसी और एक्सिस के अबाउट आपसे पूछता हूँ, किसी एक एक्सिस के अबाउट मैंने आपको बता दिया, मैं कहता हूँ किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट मुझे बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो नए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप कुछ थ्योरम्स यूज करते हैं। एक थ्योरम आती है विच इज नोन एज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। Theorem of parallel axis. तो देखिए theorem of parallel axis में क्या होगा, मैंने एक rigid body दे दिया आपको, इसके center of mass से एक axis pass हो रहा है, इस axis के about moment of inertia is ICM। अब मैं आपसे कहता हूं इसके पैरेलल एक और एक्सिस है, सम न्यू एक्सिस, इस नए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, दोनों एक्सिस के बीच में जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज एच। तो मैंने एक एक्सिस लिया, उस सेंटर से पास हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई सी एम, उसके पैरेलल एक एक्सिस और ले लिया, दोनों एक्सिस के बीच में सेपरेशन एच, और इस न्यू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई नो। आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन दिस न्यू एक्सिस। सो न्यू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इट्स आई सी एम प्लस मास ऑफ द बॉडी, द मास ऑफ कंप्लीट बॉडी इज एम, इट्स एम इन टू एच स्क्वायर। दिस इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इसका मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of rigid body about an axis is equal to about an parallel axis. Parallel axis is equal to its moment of inertia about a parallel axis through its center of mass plus the product of mass of body and square of perpendicular distance between two parallel axes. So this is theorem of parallel axes. जी ये center of mass है, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आईसीएम,
सेंटर ऑफ मास के पैरेलल एक और एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। दोनों एक्सिस के बीच में सेपरेशन एच है, तो इस न्यू एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास टाइम्स स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द एक्सिस। सर हाँ कैस्पर बोलिए। सर वो अगर पहला वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास की बजाय पैरेलल टू इसी एक्सिस के पैरेलल बट सेंटर ऑफ मास से पार ना हो तो भी एप्लीकेबल होगा सर? नहीं, ये वैलिड तभी है जब कोई एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होगा। इफ यू हैव टू पैरेलल एक्सिस नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास तो आप इसे यूज नहीं कर सकते। इसको अभी डिराइव करते हैं भाई। ये क्लियर है सबका? मानसविन, अब्दुल? यस सर। इसमें जो आई एक्सिस है ये कहीं भी हो सकती है? ये कहीं भी हो सकती है, बस पैरेलल होनी चाहिए। यस सर। और एम इसका मास है ना बॉडी का? जी। जी बॉडी का मास है सर। जी जी बोलिए। ये पैरेलल एक्सिस ये मास के बाहर भी लाई कर सकती है? नहीं नहीं, हाँ मास के बाहर भी लाई कर सकती है बिल्कुल। सर अगर ये बॉडी का शेप ऐसे रिफॉर्म नहीं होगा तो फिर मास तो सेंटर ऑफ मास के इक्वल होगा ना? दोबारा बोलो। अगर ये बॉडी ऐसे डिफॉर्म जैसी नहीं होती तो फिर मास तो सेंटर ऑफ मास के इक्वल होता ना? भाई मास तो हमेशा बॉडी का, देखो सेंटर ऑफ मास मास थोड़ी ना है, सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट है जहां पर आप मानते हो कि मास कॉन्सेंट्रेटेड है। यस सर। मास तो हमेशा बॉडी का टोटल मास है और सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है। रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां से लाई करता है? सर उसकी सेंटर सॉरी इसकी एक्सिस पे, एक्सिस के बीच पे, सेंटर पे। हाँ सो अब्दुल रहमान, सेंटर ऑफ मास से कोई सी जी कोई सी भी एक्सिस लेकिन सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए मैं जरा ये डेफिनेशन रब कर रहा हूँ, बेवजह टाइम वेस्ट करती है डेफिनेशन। तो देखो दो लाइन का प्रूफ है। आपने क्या किया, यहां पर एक मास ले लिया, दिस इज एम आई। इस एम आई मास का एक्सिस से जो सेपरेशन है दैट इज एर आई। ये जो सेपरेशन है दिस सेपरेशन इज एच नॉट। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सिस से जो सेपरेशन हो गया वो एच है। इस नए एक्सिस से जो सेपरेशन होगा दैट इज आर आई प्लस एच। कंसीडर अ मास एम आई एट अ सेपरेशन आर आई फ्रॉम एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उससे सेपरेशन आ रहा है। अब जब मैं एम आई ले रहा हूं ना, इसका मतलब है आईथ मास, मतलब आई लिखने का मतलब है कि एक एम वन लिया जिसका सेपरेशन आर वन है, एक एम टू लिया जिसका सेपरेशन आर टू है, एक एम एन लिया जिसका सेपरेशन आर एन है। तो एम वन एम टू एम एन लिखने की जगह एम आई लिख दिया जिसका सेपरेशन आर आई है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी को कोई डिस्कस करना है अभी कर लो, फिर बीच कैलकुलेशन में मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। एम आई लेने का मतलब होता है कि मैंने एक एम वन लिया एक्सिस से सेपरेशन आर वन पर, एम टू लिया एक्सिस से सेपरेशन आर टू पर, एम थ्री लिया एक्सिस से सेपरेशन आर थ्री पर। उस एम वन एम टू एम थ्री को दिखाने की जगह जस्ट एम आई दिखा दिया। आई लिखने का मतलब है सबके लिए। तो मुझे बताओगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा?
कोई नहीं बताएगा mir2। तो भाई देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mir2। बस समीशन लगाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ एम आई आर आई स्क्वायर नहीं होगा, m1r1 square प्लस m2r2 square प्लस m3r3 square अप टू mnrn square उसको हमने mir2 लिख दिया, दैट्स इक्वेशन नंबर वन। मुझे डाउट्स बताइए, क्लियर है ये? भाई ये क्लियर है सबका? चलो गुड, सबका क्लियर है। तो हमें पता तो नहीं है ना कि क्या है ये, हमें तो बस ऐसे ही कुछ दे रखा है मास बॉडी। जी, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें जनरल फॉर्मूला यूज करो ना, m1r2 square अप टू mnrn square जनरल यूज करो। mr पता होना चाहिए कि आपको डिस्क दिया हुआ है। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया। चलो जानवी, जब तुमने इतना पूछ ही लिया है तो ये बताओ कि इस वाले पैरेलल एक्सिस के से कितना होगा, सेपरेशन कितना होगा mi का? i से mi तक h प्लस ri। वेरी गुड। पैरेलल एक्सिस से सेपरेशन हो जाएगा एच प्लस आर आई। इज आर आई प्लस एच। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम आई इनटू आर आई प्लस एच का होगा। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आई आर आई प्लस एच का होल स्क्वायर। समीशन लगाना पड़ेगा, हर पार्टिकल के लिए निकालना होता है। भाई यहां तक क्लियर है सबका? अब्दुल्ला, अब्दुल, मान, yes, सबका क्लियर है। इस होल स्क्वायर को अब ओपन कर देते हैं। तो ये आ गया समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आर आई इंटू एच। सो ये आई आ गया, दिस इज आई इक्वल टू 1 to n इट्स एम आई आर आई स्क्वायर समीशन आई इक्वल टू 1 to n इट्स एम आई एच स्क्वायर समीशन आई इक्वल टू 1 to n इट्स ट्वाइस ऑफ आर आई इन टू एच नाउ। ये स्टार्टिंग का आप सब लोग लिख चुके थे तो मैं इसे रब कर रहा हूं। जी जी जी, एम आई भी तो है, सही बात। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज समीशन ऑफ I equal to 1 to n mi r i square h। देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब समीशन में जिस पर i ना आ रहा हो ना वो कांस्टेंट है, तो यहाँ h कांस्टेंट है, h स्क्वायर कांस्टेंट, ऐसे बाहर ले जाइए। तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ i equal to 1 to n mi, 2 और h कॉमन कांस्टेंट है, 2 और h को अलग ले जाइए, समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n आर आई एम आई। इसमें इसे कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो देखो ये जो एम आई आर आई स्क्वायर आर, अच्छा अब स्पेस नहीं मेरे पास, इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए प्लीज।
सर ये थर्ड इक्वेशन होगी कि सेकंड? सेकंड कहीं और लिया नहीं हमने, सेकंड इक्वेशन जी क्या स्पेल सर? वो समीशन ऑफ एम आई हर टर्म में आ रहे, तो फिर एम आई का कॉमन नहीं ले सकते? नहीं 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 ले सकते, ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ सिर्फ समीशन आई पर एम पर नहीं है, आर आई पर भी. सो इट्स बेसिकली वन आर वन स्क्वायर इज वन टर्म. बाद में वो सब सम तो कॉमन हो जाएगा ना? नहीं सर, सब नहीं आएगा कॉमन. अभी तुम्हें देख के दो मिनट रुक जाओ बस, अभी दिखने लगेगा क्यों कह रहा हूँ. ओके सर. भैया आप जब इतना लिख लो तो मुझे बताओ, इसे रब करते हैं. अरे हुआ सबका? डन सर. यस सर डन. ओके ओके, सो सबने लिख लिया, इसको मैं रब कर रहा हूं फिर. तो देखिए ये इक्वेशन नंबर टू आ गई. वन को टू में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ये जो एम आई आर आई स्क्वायर है, देखो वन में क्या आया था, आईसीएम, तो ये आई आ गया. अच्छा अभी नहीं रखते वन को, अभी कुछ चीजें और लिखता हूँ. ये टू हो गया. मुझे बताओ कि समीशन ऑफ एम आई क्या होगा, आई इक्वल टू वन से एन तक? ये तो माइनस वन बता देगा. माइनस वन जल्दी बता दे क्या होगा ये. Okay, क्या कहाँ था दिमाग, कहाँ था? यहीं पर था. अब एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. एम आई को समेशन करना है वन से एन तक. समेशन ऑफ एम आई फ्रॉम आई इक्वल टू वन टू एन, कितना आएगा ये? ये आएगा एम वन प्लस एम टू अप टू एम एन, एम एन है ना. और ये कितना आ गया, कैपिटल एम टोटल मास ऑफ द सिस्टम. अब बस एक टर्म मैं ऐसे लिख रहा हूं जो मैं अभी प्रूफ नहीं कर सकता. मैं जैसे ही आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कराऊंगा मैं प्रूफ करूंगा. ये टर्म जीरो होती है. अब ये मत पूछना क्यों जीरो होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कैलकुलेशन में करेंगे इसे. सेंट मूवमेंट ऑफ मास कहते हैं इसे, हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मास. समीशन ऑफ एम आई आर आई जीरो होता है, इसे मोमेंट ऑफ मास कहते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर फोर. अब अगर वन थ्री फोर को टू में सब्स्टिट्यूट कर दूं, वन थ्री फोर को अगर मैं टू में सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां, तो ये आई हो जाएगा. भाई एम आई आर आई स्क्वायर क्या था, आईसीएम था, वन में निकाला था. एच स्क्वायर समीशन ऑफ एम आई क्या है, एम है, बाकी जीरो हो गया. तो ये आई आ गया, इट्स आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर. आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर. जी मैत्री सर, आप वो क्या कहते हैं वन टू थ्री फोर इक्वेट करने के बाद एक बार फिर से समझा सकते हैं कि वो क्या लिखा है आपने? हाँ, वन थ्री फोर को यहाँ रख दिया, तो ये जो एम आई आर आई स्क्वायर था इसे आई सी एम लिख दिया. देखिए जरा इक्वेशन नंबर वन में. यस सर. फिर ये जो पूरा एम आई आया, आई इक्वल टू वन से एन. अब्दुल्ला आपको भी अपने क्वेश्चन का इसी में आंसर मिल जाएगा. ये पूरा मैंने कैपिटल एम लिखा था, तो एच स्क्वायर एम हो गया. ओके सर. और एम आई आर आई इज मोमेंट ऑफ मास, इसकी जगह जीरो रख दिया. तो ICM is mh square, ICM plus mh square. That's yes. Of parallel axis. Okay, sir.
भाई इतना हो जाए मुझे बता दीजिए, इसको रब करते हैं, ये प्रूफ हो गया। चलिए भाई स्क्वायर अप कर रहा है। सो देखो एक एग्जांपल देखो जो एग्जांपल क्लियर करेगा कि ये यूज कैसे करते हैं इस चीज को। आपको एक रॉड दी हुई है, मास ऑफ द रॉड इज कैपिटल M, द लेंथ ऑफ द रॉड इज L। Yash, what is moment of inertia of this rod about an axis passing through its center? Yash, moment of inertia of the rod about an axis passing through its center kitna hoga? Yash nahi hai class mein. Anubhav Joshi, moment of inertia of rod about an axis passing through its center kitna aayega? देखो डराइव कराया था। देखो क्वेश्चन ये है कि आपको रॉड के एक्स यहां से एंड से एक एक्सिस पास हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मोमेंट इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एंड, एक एंड से एक्सिस पास हो रहा है इसके अबाउट चाहिए। सेंटर के अबाउट मैंने डिराइव कराया था, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम एल स्क्वायर बाय 12। ये थर्सडे ही डेरिवेशन करिए। अब इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करने के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज बोथ द एक्सिस आर पैरेलल, दे आर पैरेलल। वन ऑफ द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर, वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की सारी कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही हैं आपकी। आप लिख सकते हैं आई इज आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर। देखिए एच कितना, एल बाई टू। दोनों एक्सिस के बीच के सेपरेशन को आप एच कहते हैं, विच इज एल बाई टू इन दिस केस। सो ये आई आ जाएगा, वैल्यूज रख दीजिए एस आई सी एम विच इज 1/12 एम एल स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर विच इज एम इंटू एल बाय टू स्क्वायर। सो आई इज एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4। सो आई इज 12, इट्स एम एल स्क्वायर प्लस 3 एम एल स्क्वायर। सो आई इज 4 एम एल स्क्वायर बाय 12। सो आई इज एम एल स्क्वायर बाय 3। सो एंड से जो एक्सिस पास होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम एल स्क्वायर बाय 3। भाई ये सबका हुआ क्लियर? आमना, मैत्री, जानवी, दिव्या, क्लियर है? चलो सुधांशु, हो रहा है? यस सर। देखो दीज थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इतना नोट कर लीजिए और जब नोट कर लें तो मुझे प्लीज बताइए। इसको रब करते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ते हैं, फिर देखेंगे उसको कैसे यूज करते हैं। चैट रूम में लिख दिया करो ना ताकि पता चल जाए मुझे आप लोग लिख चुके हैं, तो रब कर दूंगा।
चलिए सबने लिख दिया है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, देखिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है, आपके पास जो एक्सिस हैं वो एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। अच्छा इसको यूज करने की कंडीशंस देख लो। सुधांशु मुझे बताना यार कि ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की यूज करने की कंडीशंस क्या थी। सुधांशु थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को यूज करने की क्या कंडीशंस थी। अरे सुधांशु यार, सुधांशु ये गलत बात है, अभी तो पढ़ाया मैंने, अभी से नहीं आ रहा आंसर, सुनता नहीं है इसका मतलब। तिशा बताएगी, तिशा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करने की क्या कंडीशंस हैं। वेरी गुड, एक कंडीशन और, पैरेलल होनी चाहिए। दो ही तो कंडीशंस थी, एक एक्सिस पास होगा थ्रू सेंटर ऑफ मास, दूसरा एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के पैरेलल हो। परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करने के लिए पहली कंडीशन, बॉडी वैलिड फॉर प्लेन लैमिना। लैमिना का मतलब होता है टू डायमेंशनल बॉडी, कि ये सिर्फ और सिर्फ टू डायमेंशनल बॉडी के लिए ही वैलिड होगा। अब टू डायमेंशनल बॉडी के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एक एग्जांपल हो सकता है शीट, स्क्वायर शीट हो सकती है, टू डायमेंशनल बॉडी है ना, स्क्वायर शीट हो सकती है, टू डायमेंशनल बॉडी डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकती है, इन सब के लिए वैलिड होगा। अब तुम कहो कि मैं स्फीयर के लिए यूज करूं तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज नहीं कर सकते। रेक्टेंगल के लिए वैलिड है, रेक्टेंगल भी तो टू डायमेंशनल है, क्यूबॉइड के लिए नहीं है, क्यूब के लिए नहीं है, टू डायमेंशनल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होने चाहिए, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो हमेशा जब भी आपको लगे कि आप थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करना चाहते हैं तो उनमें आपको ये दो कंडीशंस चेक करनी होगी। पहली कंडीशन आप ये चेक करोगे कि प्लेन लैमिना है या नहीं, दूसरी कंडीशन आप ये चेक करेंगे कि तीन एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब देखिए कि अच्छा मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर उसके बाद डिराइव करते रहेंगे। नहीं सुधांशु, रिंग तो टू डायमेंशनल फिगर है। सर जी ये 2D में तो सर टू एक्सिस होती है, इसमें थर्ड एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर, थर्ड एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। दो ही एक्सिस होंगी प्लेन में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2D है, दो एक्सिस प्लेन में होगी, थर्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। सर यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है कि तीन एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये कि बॉडी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। नहीं जरूरी नहीं, टू डायमेंशन होनी चाहिए, चाहे इनसिमेट्रिकल भी हो। मैं एक काम करता हूँ, डिराइव अनसिमेट्रिकल के लिए कर दूंगा। सो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू sum of moment of inertia of lamina about any two mutually perpendicular axes in its own plane।
एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर at the point where perpendicular axis passes through the lamina. So, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए मैंने आपको एक लैमिना दे दी, मैंने ऐसा दे दिया लैमिना एक्स वाई प्लेन में, तो ये मुझे जानवी बता देगी, जानवी इसमें एक्स वाई प्लेन में लैमिना दी हुई है ना, तुम्हारी जो कॉपी होती है, कॉपी का पेज दैट इज एक्स वाई प्लेन, तो कौन से दो एक्सिस होंगे जो इस बॉडी के प्लेन में आ जाएंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. वेरी गुड. एक्स एक्सिस प्लेन में होगा और आपका वाई एक्सिस प्लेन में होगा. दीज टू एक्सिस आर इन द प्लेन. प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा जानवी? वाई सर. प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ क्या जा रहा होगा? जेड. जेड जा रहा. प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा? जेड होगा. तो मैं लिख देता हूं जेड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन. देखो भाई हमेशा नहीं होगा ऐसा. अगर मैं देता तो मैं वाई जेड प्लेन देता सुधांशु, वाई जेड प्लेन, तो कौन से दो एक्सिस होते जो प्लेन में होते सुधांशु? सर वाई और जेड. वाई और जेड. प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा जाता? एक्स. बहुत बढ़िया. तो जेड के अलोंग यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एक्स प्लस आई वाई. जो भी प्लेन के परपेंडिकुलर है उस परपेंडिकुलर वाले के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो प्लेन में है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा. दिस इज थियोरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. जो भी प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो प्लेन में है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल आ जाता है. इतना लिख लीजिए फिर इसको डिराइव कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन देख लेंगे इसका भी. सर इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पूछी जाती है? प्रैक्टिकल ये थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब इससे तुम ऐसा नहीं है थियोरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर तुम कोई डिवाइस बना लो, बट इसकी थ्योरिटिकल एप्लीकेशन यही है कि आप किसी एक एक्सिस के अबाउट डिराइव करिए और इन थ्योरम्स को यूज कर आप बाकी एक्सिस के अबाउट बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते. सर जी अब जी कैस्पर. सो कंडीशंस में लास्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट आपने लिखा था थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए बोल के, तो फिर हर टू डायमेंशनल लैमिना में थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस तो ड्रॉ कर सकते हैं ना? हर टू डायमेंशन बिल्कुल कर सकते हैं आप. तो ये बहुत इसलिए लिखा कि आप ड्रॉ करें, मतलब आप ऐसा ना करें कि आप कहीं भी दो तीन एक्सिस ले लें किसी भी एंगल पर और आप कहें कि इसमें मैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा. ऐसा नहीं हो सकता है कि जब टू डायमेंशनल लैमिना एक एक्सिस यहाँ एक एक्सिस यहाँ एक एक्सिस यहाँ इनमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे एक्सिस. मतलब ये हम ऐसे कह सकते हैं कि एप्लीकेबल फॉर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. ओके सर. अच्छा क्वेश्चन से एक सेकंड. हाँ अनुभव बोलो फिर मैं बाकी लेता हूँ. हाँ सर ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस 3D के लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल बिल्कुल, वहां कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं. तो अब एक क्वेश्चन है अब्दुल हन्नान का, लो एप्लीकेबल होगा जब सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे होगा. जरूरी नहीं अब्दुल हन्नान, देखो ओरिजिन आपकी चॉइस है, आप जहां चूज करना चाहें उसे चूज कर ली. सर अगर कहीं कहीं भी होगा सेंटर ऑफ वो सेंटर ऑफ मास तो परपेंडिकुलर नहीं होगा ना तीन एक्सिस पे. क्यों नहीं हो सकता? देखो मान लो ये लामिना है, मैं कह रहा हूँ यहाँ से मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस, ये ले लिया जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं? अब्दुल हन्नान है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. बट परेशानी ये आएगी कि यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना मुश्किल काम है. थ्योरम एप्लीकेबल है बट कैलकुलेशन टफ हो जाएंगे. तो बेटर वो है जो तुम कह रहे हो कि सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, बट एसेंशियल कंडीशन नहीं है.
अब्दुल्ला असलम का क्वेश्चन है वाई एंड एक्स एक्सिस सेंटर पासिंग थ्रू. जी जी वाई, तुम्हारा भी क्वेश्चन वही अब्दुल्ला जो अब्दुल हन्नान पूछ रहा है. एक्स वाई जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. जरूरी नहीं है कि बॉडी के सेंटर से पास करे, बट बॉडी के सेंटर पर ओरिजिन होगा तो कैलकुलेशंस आसान होंगी. ये सबने लिख लिया है स्टेटमेंट, इसको रब कर दूं? यस सर. चलिए, सो देखिए इसका प्रूफ देखते हैं. So this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. अच्छा, अब आपको प्रूफ करना है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. तो यहां मैंने एक पार्टिकल ले लिया एम आई. देखिए y-axis से इसका जो सेपरेशन है, y-axis से इसका सेपरेशन इज एक्स आई. ये सेपरेशन एक्स आई. एक्स एक्सिस से इसका जो सेपरेशन है दैट इज वाई आई. और जेड एक्सिस से इसका जो सेपरेशन है दैट इज जेड आई. तो मैं ऐसे लिख रहा हूं एक्स आई. सेपरेशन ऑफ एम आई from y-axis. Sir? जी. ये separation perpendicular होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल perpendicular. x-axis. z-axis. मैं देख लेना, ख्याल रखना xi y से है, xi x से नहीं है. वाई आई एक्स से है, वाई आई वाई से नहीं है. ये वाला जो सेपरेशन है ये एक्स आई है, ये वाला सेपरेशन वाई आई, ये जेड आई. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस लेते हैं. पहले लेते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट. सो एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये होगा समीशन ऑफ एम आई वाई आई स्क्वायर. एंड आई इज फ्रॉम वन टू एन, दैट्स माई फर्स्ट इक्वेशन. इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इज समीशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एम आई एक्स आई स्क्वायर. Moment of inertia about z axis is summation I is 1 to n m I z I square. अब आपको किसी तरह से z I square निकालना है. तो देखो ये जो right angle triangle, it's a right angle triangle. देखो राइट एंगल ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल में एक साइड आपकी ये वाली साइड y i है, ये वाली साइड x i है, ये z i है. नाम भी दे दो इसे, o दे दो इसे, p दे दो इसे, q दे दो. तो आप लिख सकते हो ना ट्राइंगल ओ पी क्यू में, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में आप लिख सकते हैं ओ क्यू का स्क्वायर इज ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर. तो आप लिख सकते हैं कि जेड आई स्क्वायर इज वाई आई स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर, दैट्स फोर्थ इक्वेशन. फोर को थ्री में रखिए.
तो जेड एक्सिस के अबाउट आएगा समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन इट्स एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर. तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समीशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एम आई एक्स आई स्क्वायर. सो एम आई वाई आई स्क्वायर इज आई एक्स एम आई एक्स आई स्क्वायर इज आई वाई. तो ये प्रूफ हो गया. बस ये याद रखना जो प्लेन में होंगे उन्हें ऐड करेंगे, जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके इक्वल हो जाएगा. इतना लिख लीजिए और मुझे डाउट बता दीजिए अगर कोई डाउट है किसी को. अरे बताओ कुछ तो डाउट होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कोई डाउट ही ना उठे. हाँ अब्दुल्ला आप जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं. सर जी तो बहुत ही सिली सा डाउट लग रहा है मुझे. नहीं कोई नहीं डाउट सिली. सर हम इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते थे. कर सकते हैं बिल्कुल, बेटर तो लिखा वही था लेकिन हम उससे बच रहे हैं सिर्फ इसलिए कि परेशानी ना हो. समीशन की जगह इंटीग्रेशन लगा दो, दैट्स अ बेटर मेथड. सर जी अनुभव बताइए. सर अगर हम इसको इंटीग्रेट करते तो हम लिमिट कहां से कहां तक रखते हैं? लिमिट्स मैं डिफाइन नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने जो सिस्टम लिया हुआ है ना इज एन आर्बिट्ररी सिस्टम, तो तुम सिर्फ इंटीग्रल का साइन लगा देते ठीक है बस और काम हो जाता. तो सर इनडेफिनेट इंटीग्रल से? नहीं यार होता तो डेफिनेट लेकिन चूंकि मैंने जो सिस्टम दिया ना तुम्हें वो कोई डेफिनेट सिस्टम तो दिया नहीं, इट्स एन आर्बिट्ररी सिस्टम. उसको ऐसे ही छोड़ देते, बस इंटीग्रल लिख देते और उस इंटीग्रल की वैल्यू लिख देते कि एक की इंटीग्रल की वैल्यू आई एक्स एक आई वाई. रब कर दूंगी सब एग्जाम्पल देंगे इसमें एक. यस सर. चलो एक एग्जाम्पल देख. तो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, एक डिस्क ले लेता हूँ मैं भाई. ये सब मानते हैं कि डिस्क इज अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना, ये डिस्क ले लिया. इस डिस्क में मैंने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लिए हुए, एक्सिस वन एक्सिस टू, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं. दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस. यहां एक पार्टिकल लिया, मास ऑफ द पार्टिकल इज एम आई, दिस इज ओरिजिन. नहीं सॉरी डिराइव ड्राइव नहीं करते यार. सो मुझे ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है. मैं आपसे कह रहा हूं कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर. सो आपको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए उसके डायमीटर के अबाउट. अब देखो मुझे कोई बताएगा मुझे ये कोई एक बता दो, ये जो सेंटर है अगर मैं डिस्क के परपेंडिकुलर एक एक्सिस ले लूं वो एक्सिस कौन सा होगा? जेड एक्सिस.
उस जेड एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है? मैं ये वाला एक्सिस ले रहा हूं, मेरे पास देखो 3D ड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं ये वाला एक्सिस ले रहा हूं। ये है और इसको मैं डॉटेड लगा रहा हूं। डॉटेड का मतलब सिर्फ यही है कि ये परपेंडिकुलर है डिस्क के प्लेन के। मेरी मजबूरी है कि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकता। एक बार वीआर टेक्नोलॉजी जरा यूज हो पाए ना जूम के साथ, तो फिर मैं आपको 3D भी ड्रॉ करके दिखा पाऊंगा। अभी नहीं हो पा रहा। तो ये जो ICM है, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। कैस्पल बताएगा, कैस्पल इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है यार? mr square by 2 डिस्क है। सो z एक्सिस के अराउंड तो x और y का सम होता है ना? हाँ, तो x और y के अबाउट तो हमें पता ही नहीं। सो x सेंटर से पास होगा तो mr square by 2 नहीं होगा? नहीं नहीं, mr square by 2 उस एक्सिस के अबाउट है जो सेंटर से पास भी होगा और प्लेन के परपेंडिकुलर भी। ठीक है? हमने डिराइव किया था ना, देखो यहीं से जो कंफ्यूजन कैस्पल को आ रहा है वो बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। ये डिस्क है, ये सेंटर है डिस्क का, ये एक्सिस जो पास हो रहा है, मुझे ये बता दो तुम सब लोग चैट रूम में कि तुम्हें क्या लग रहा है, ये एक्सिस सेंटर से तो पास हो रहा है, डिस्क के प्लेन में है या डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है? ये एक्सिस सेंटर से तो पास हो रहा है, डिस्क के प्लेन में। चलो दो लोगों को लगा प्लेन में, बाकियों का तो सबको लग रहा है प्लेन में। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 नहीं होता। mr स्क्वायर बाय 2 उस एक्सिस के अबाउट होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर, जो प्लेन में है उसके अबाउट mr स्क्वायर बाय 2 कभी नहीं होगा, हरगिज नहीं। तो दो डायमीटर्स हैं, एक डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डी, दूसरे डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डी, परपेंडिकुलर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई जेड। तो जेड, अब मुझे बताओ कौन सा परपेंडिकुलर है प्लेन के? जेड परपेंडिकुलर है, तो आप ऐसे लिखोगे ना आई जेड इज आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड तुम्हें पता है ICM है जो mr स्क्वायर बाय 2 होगा। आई एक्स और आई वाई बता दो क्या दोनों डायमीटर है? अरे भाई बता दो क्या डायमीटर? दोनों डायमीटर है, आइडेंटिकल होंगे। तो इसको भी मैं आईडी लिख रहा हूँ और इसे भी मैं आईडी लिख रहा हूँ। अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ये mr स्क्वायर बाय 2 हो गया, ये 2ID हो गया, तो यहां से आईडी आ गया mr स्क्वायर बाय 4, आईडी आ गया mr स्क्वायर बाय 4 सर। यस कैस्पर, सो तो मतलब कल हमने जो कैलकुलेट किया था वो रॉड डिस्क रिंग सब का वो सेंटर के साथ साथ परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। Perpendicular भी होना चाहिए। अब उसमें rod में वो case नहीं आएगा, because rod is just one dimensional। तो rod का तो अपना बेचारे का कोई plane ही नहीं होता। अच्छा। Okay. के perpendicular था। But yes, for this, it's perpendicular। It's perpendicular to the। Okay। चलो भाई इतना लिख लो। Sir। जी मित्र। सर आप एक और बार बता सकते हैं कि आपने ऑन द प्लेन ना लेने का रीजन क्या था? ऑन द प्लेन किसे ना लेने का? मैंने यहाँ कुछ नहीं लिया, मैंने कल जो डिराइव किया था ना मैथ्री लास्ट क्लास में वेडनेसडे, कि mr स्क्वायर बाय 2 कुछ था, तो वो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर था। जो भी हमने डिराइव करा था रिजल्ट, वो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर रिजल्ट था, व्हिच इज mr स्क्वायर बाय। सर मतलब दोनों ही दोनों प्लेन में नहीं होंगी ना? दोनों दोनों कौन, दो कौन से हो गए सर? x और y दोनों ही ना?
भाई एक्स तो देखो डायमीटर है, ये प्लेन में है, आई वाई डायमीटर है ये प्लेन में। मेरी बात दोबारा से जरा ना ढंग से सुनो। वेडनेसडे मैंने डिस्क के लिए डिराइव किया था एमआर स्क्वायर बाय 2। यस सर। वो सेंटर से पास हो रहा था और प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो एमआर स्क्वायर बाय 2 जब मैं डिस्क के लिए यूज करता हूं तो एक्सिस डिस्क के सेंटर से पास होगा और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे ये बताओ, ये जो एक्स है क्या ये प्लेन के परपेंडिकुलर है? नहीं सर। तो इसको मैं एमआर स्क्वायर बाय 2 नहीं ले सकता। क्या ये प्लेन के परपेंडिकुलर है? नहीं सर। तो ये भी एमआर स्क्वायर बाय 2 नहीं होगा। ये वाला जो मैंने डॉटेड शुरू किया, हाँ सर ये है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमआर स्क्वायर बाय 2, और इन दोनों के अबाउट कितना आ गया एमआर स्क्वायर बाय 4। सर एक और बात सर, ये एक्स और वाई और जेड सर क्या प्लेन में लेना क्या नहीं लेना वो डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि हमने सपोज एक्स और जेड ले लिया और वाई को परपेंडिकुलर अज्यूम करा। मुझे बताओ तुम्हें जो डिस्क है ये कौन से प्लेन में दिख रही है? कॉपी का जो आपका, अगर आप इसे कॉपी में ड्रॉ करेंगी तो ये आपको किस प्लेन में दिख रही है? सर दो। कौन से सर? एक्स और वाई। एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, प्लेन एक्स वाई प्लेन हुआ। प्लेन पूछ रहा हूँ मैं, एक्सिस नहीं। कौन से प्लेन में है ये? एक्स वाई। तो इसके प्लेन में कौन कौन से एक्सिस है मेत्री? सर एक्स और वाई है। और जेड कहाँ जाएगा? सर जेड परपेंडिकुलर है। तो वो चॉइस नहीं है मेरे हाथ में, वो तो डिपेंड करता है सिस्टम कैसे दिया हुआ है। अब इसी में मैं आपसे कहूँ कि डिस्क है वाई जेड प्लेन में। अब बताइए डिस्क के प्लेन में कौन कौन से एक्सिस हैं? सर वाई और जेड हैं। परपेंडिकुलर? सर परपेंडिकुलर एक्स हो गया। ऐसे कर। यस सर। चलिए इतना लिखिए, फिर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डन सर। चलो सबने लिख लिया है क्या? रब कर दूं? यस सर। चलो गुड। तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये सबको यूज करना आ गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ विच आर मिक्स्ड, पैरेलल एक्सिस पर भी मिक्स्ड है, परपेंडिकुलर एक्सिस, ये आपको डिसाइड करना है कब कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। एक तो सिंपल सी प्रॉब्लम दे रहा हूँ बस, ये तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ये तो खैर मैं खुद लिख दूंगा, ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। इसको आप एज अ होमवर्क करेंगे और जो आंसर आएगा इसका दैट्स एम आर स्क्वायर बाय 2, ये आपका होमवर्क होगा। जो क्वेश्चन आप अभी सॉल्व करोगे वो ये है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया of disk about an axis first tangential to disk and in its plane। दूसरा टेंजेंशियल टू डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। वैसे डायग्राम नहीं दिया होता लेकिन आप पहली बार कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके दे रहा हूं। तो अगर मैं इसका आपको फिगर ड्रॉ करके दूं, डिस्क है ये, ऐसे दिया हुआ, और ये मुझे जानवी बता दो, ये जो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ ये डिस्क के प्लेन में, जानवी डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है ये वाला, वाई के अलोंग ले लिया। जानवी क्या लग रहा है देखकर, ये टेंजेंट डिस्क के प्लेन में है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है? सर प्लेन में है शायद। शायद का क्या होता है? प्लेन में भाई बिल्कुल, तभी तो ड्रॉ कर रहा है सॉलिड लाइन। टेंजेंट इज इन
प्लेन ऑफ दिस. परपेंडिकुलर ऐसा होगा यहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर ले लूं मैं एक टेंजेंट. अब परपेंडिकुलर में ड्रॉ नहीं कर सकता, मतलब आप कॉपी पर डिस्क ड्रॉ करिए और साइड में अपना पेन रख दीजिए, पॉइंटेड एंड रख दीजिए ऐसे करके, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो परपेंडिकुलर मेरी मजबूरी है कि मुझे इसको ऐसे ड्रॉ करना होगा. परपेंडिकुलर डॉटेड बना सकता हूँ, एक्सट्रीम यही कर सकता हूँ मैं इसको डॉटेड बना दूँ. तो जब मैंने इसको डॉटेड बना दिया तो डॉटेड का मतलब यही है कि ये परपेंडिकुलर है. मैं हमेशा सोचता था इसमें व्हाइट कलर क्यों देता है, अब समझ में आना शुरू. ये टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क. कर दो यार सॉल्व वन और टू पार्ट जल्दी से. तुम्हें पता है डिस्क के लिए सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, डायमीटर से कितना आता है, करके बता दो जल्दी से सॉल्व कितना आ रहा है. सर सर तो वो परपेंडिकुलर वाला स्क्रीन से बाहर निकल रहा है ना. बिल्कुल स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, बिल्कुल स्क्रीन से बाहर निकल रहा है. तो देखो एक हेस्पल का आंसर आया सही आया, यश का आंसर आया सही आया, दो आंसर आए और आंसर लिख दो जरा मुझे समझ में आ जाएगा हुआ है किसी से. अभी तो मुझे लग ही नहीं रहा किसी से सॉल्व हुआ है, सिर्फ एक कैस्पल और यश से हुआ है. चलो भाई कई लोगों का आ गया, कुछ लोग गड़बड़ भी कर रहे हैं, इसे सॉल्व कर ही लेते हैं. तो अगर जो एक्सिस है इज इन द प्लेन, टेंजेंट इज इन प्लेन, तो देखिए ये आपका एक्सिस है. इस एक्सिस के पैरेलल आप जो एक्सिस लेंगे वो सेंटर से पास होना चाहिए. अब ये बता दो ये डिस्क का कौन सा एक्सिस है, डायमीटर है या सेंटर. ये तो हो गया आईसीएम और ये आ गया आपका आई. ये जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr square by 2 या mr square by 4. mr square by 4 होगा. देखो ये जो एक्सिस है ये डिस्क के प्लेन में है और डिस्क के प्लेन में जो एक्सिस होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr square by 4 होता है. भाई ये डिस्क है, स्क्रीन से बाहर जो एक्सिस आ रहा होगा उसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू है, बट ये स्क्रीन के बाहर तो नहीं आ रहा, ये तो आपके डिस्क के प्लेन में सेंटर से पास हो रहा है, इसीलिए मैंने आईसीएम लिख दिया. भाई मैं डिस्क के ये स्क्रीन से बाहर होता हुआ एक्सिस लूं, ये भी सेंटर से पास हो रहा है, ये भी सेंटर से पास हो रहा है, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है. जो स्क्रीन से बाहर आएगा उसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू है, जो डायमीटर के अलोंग होगा उसके अबाउट एम फोर होगा.
तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अगर मैं लगाऊं तो I होगा I पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस m इनटू r स्क्वायर, टोटल मास ऑफ द डिस्क इज m, दोनों एक्सिस के बीच में सेपरेशन आ रहा है। I cm को क्या लिख सकते हो, mr स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हो प्लस mr स्क्वायर 5 बाय 4 mr स्क्वायर। ये बता दो मुझे सॉल्व हुआ, सबको आया समझ में? यस सर। चलो वेरी गुड। सेकंड देखो, अगर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो ये मैंने डिस्क ली, एक कलर, ये डिस्क ली मैंने आपसे, तो ये आपका टेंजेंट है, और ये टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसीलिए मैंने इसे डॉटेड कर दिया। ये डॉटेड ले लेते हैं इसे कि ये आपके प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब एक जो एक्सिस ये बाहर आ रहा है ना आपकी स्क्रीन के, इट इज आउट ऑफ स्क्रीन, तो यहां जो एक्सिस लेना है सेंटर से पास होता हुआ, वो भी तो वही लोगे जो इसके पैरेलल आउट ऑफ स्क्रीन होगा। यहां भी तो वही एक्सिस लोगे जो आउट ऑफ स्क्रीन जाएगा। डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूं मैं, डॉटेड मतलब ये प्लेन में नहीं है आपकी कॉपी के, ये आपकी कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। दिस इज आउट ऑफ स्क्रीन। दिस इज आई सी एम एंड दिस इज आई। भाई आईसीएम हमेशा एक नहीं होगा, आईसीएम का मतलब है सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है, जो प्लेन में पास हो रहा है उसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 4, जो प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रहा है उसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2। तो तुम लिख सकते हो आई है आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर, दोनों पैरेलल एक्सिस में सेपरेशन आ रहे, ये आ जाएगा आईसीएम इज एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर। इतना जल्दी से लिख लो, फिर एक होमवर्क है, रिपीट सेम प्रॉब्लम फॉर रिंग। फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, दूसरे पार्ट का आंसर आएगा 2 एम आर स्क्वायर। चलिए भाई लिख लीजिए। तो जल्दी जल्दी लिखो, क्लास छोड़नी है मुझे। डन सर। चलो जी आज क्लास ये खत्म हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रोटेशन में एक दो टॉपिक्स ही हैं, वाइंड अप हो जाएगा जल्दी। अच्छा चलो अनुभव अभी तो फिजिबल नहीं होगा, मैं आपको सॉल्व करके भेज देता हूँ, दैट्स द बेस्ट थिंग, मैं इसको सॉल्व करके भेज देता हूँ अनुभव। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू मैत्री। जी जी बिल्कुल करूंगा मैं। थैंक यू सर। चलो भाई मैं इसको फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग।